Maybe this is the last vlog of 2022. 2023 is here. कहाँ गए लास्ट दो तीन साल, कहाँ गए? चैनल और मैं सुबह सुबह उठ गई थी 5:30 बजे और पूरे मैंने 1 घंटे मेडिटेशन कर लिया। अब फटाफट से चेंज करती हूँ और चलते हैं जिम वर्कआउट करने के लिए। वैसे तो अब मैंने अल्टरनेट स्टार्ट किया है, एक दिन घर पे यूट्यूब पे देख के मैं होम वर्कआउट्स करती हूँ और फिर जिम में जाके कार्डियो करती हूँ। सो यस्टरडे इज़ कार्डियो डे, सो आई एम रेडी और अब निकलते हैं जिम जाने के लिए। मिनिमम 30 मिनट्स तो मैं कार्डियो कर लूँगी, पूरी कोशिश रहेगी कि उससे ज़्यादा भी अगर टाइम मिलेगा तो कर लेंगे। हैप्पीनेस इज हैविंग द एंटायर जिम टू योरसेल्फ। बैक होम एंड अभी बस 2-4 मिनट में मेडिटेशन क्लास शुरू होने वाली है और मैंने विंडोज कर्टन सब खोल दिया है। बिकॉज मेडिटेशन क्लास में ना सर सिखाते हैं कि मतलब इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट लाइक वैसे ध्यान करके बस बैठे रहो, फोकस लगाओ, नहीं सर, ये डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिटेशन है। सर सिखाते हैं एनर्जीज के बारे में, चक्रास के बारे में। तो सर हमेशा कहते हैं कि सुबह उठ के ना पहले विंडोज़ खोल देनी चाहिए, पंखे वंखे भी चला देने चाहिए ताकि अंदर की जो पूरी रात की जो हमारे थॉट्स और जो हमारी एनर्जी जो रूम में स्टक होती है वो सारी चली जाती है और फ्रेश एनर्जी आती है। सो यस, इफ़ यू फाइंड दिस हेल्पफुल, अगर आप यू नो सुबह उठ के सब बंद बंद रखते हो तो खोल दीजिए, सनलाइट आने दीजिए, फ्रेश एयर आने दीजिए, उससे अच्छी एनर्जी घर में आती है, पॉजिटिव एनर्जी। सो मैं रेडी हो गई हूँ और बहुत ज़्यादा ठंड है। आई मीन ऑफकोर्स दिसंबर में ठंड नहीं होगी तो कब होगी, लेकिन फिर भी बहुत ठंड है। तो चलो ब्रेकफास्ट बनाते हैं और फिर काम पे लगते हैं। आज पहले काम वाला काम होगा और उसके बाद घर का जो काम है झाड़ू पोछा ये वो बाद में करूँगी। पहले जो इम्पोर्टेंट काम ख़त्म करना है वो करूँगी, बिकॉज़ अगर वो नहीं करती हो ना तो दोपहर तक मेरे को लगता है कि यार दोपहर हो गई, मैंने क्या प्रोडक्टिव कर लिया। तो अभी पहले प्रोडक्टिव काम, बाकी जो नॉर्मल करके काम है जिसमें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी वाली फील नहीं आती वो सब बाद में करेंगे। बज रहे दोपहर के 1 और काम करने तो बैठी थी मैं, लेकिन उससे ज़्यादा मेरा टाइम गया मेरे फ़ोन में मेमोरी करने में। मतलब कुछ डेटा मैंने हार्ड ड्राइव में ले लिया था तो उसमें से इसमें ट्रांसफ़र करना था, इसमें डिलीट करके उसमें डालना था, उन सब झंझट में। मतलब ये ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं लेकिन इतने टाइम कंज्यूमिंग होते हैं ना। अब 1 तो बज गया है तो चलो लंच बनाते हैं और फिर घर के काम ख़त्म करके फिर शाम को बैठूंगी वापस काम करने। हैविंग पुलाव एंड वॉचिंग एमिली इन पेरिस। की बैटरी लो हो गई थी तो मैं रूम में आ गई और ठंड भी लग रही थी बालकनी में, तो मैं मस्त ब्लैंकेट में घुस गई हूँ और काम कर रही हूँ। एंड दिस थिंग इज सो हैंडी, मतलब ये मैंने इनिशियली मंगाया था क्रैम्प्स रिलीफ के लिए, यू नो हॉट वाटर बैग है इलेक्ट्रिक वाली, तो मैंने उस पर्पज से मंगवाया था, लेकिन विंटर्स में ये काफ़ी हेल्पफुल हो रहा है। मतलब मुझे जैसे मैंने 50 बार बता चुकी हूँ कि मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो वैसे में ये काफ़ी हैंडी है और काफ़ी यूज़फुल है। बज रहे 11:30, डिनर विनर ख़त्म कर लिया, सारा काम ख़त्म करके 2-4 यूट्यूब वीडियोस देख के मतलब माइंड को फ्रेश कर लिया और
आ गई हूँ मैं अपने नाइट ड्रेस में। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास ये एक ही नाइट ड्रेस है, मेरे पास है नाइट ड्रेस, बट ये वाला सबसे ज़्यादा कोजी है। और इतनी ठंड बढ़ गई है तो मैं बस इसी को पहन लेती हूँ। एंड आई थिंक इट इज़ सो गुड। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने ये दो क्यों नहीं मंगवाया। सो अब मैं सोच रही हूँ ना इस टाइप का एक और मंगवा लेती हूँ। वैसे अगर आपको आप सोच रहे हो कि ये मैंने कहाँ से मंगवाया, तो ये मैंने अर्बेनिक से मंगवाया था और ये काफ़ी कोजी है, तो ठंड में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। एंड यस, मैंने अपनी कैंडल जला ली है मेडिटेशन के लिए। मेरे को इसकी सेंट इतनी अच्छी लगती है। मिनीसो से मैंने ली है, एप्पल सेक वाला ये सेंट है और ये मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जब भी मेडिटेशन करने बैठती हूँ तो ऐसे ही बस फील के लिए मैं चला लेती हूँ। तो यस, अब 11:30 तो बज गए हैं, सुबह 5:30 की उठी हूँ मैं और कल भी सुबह 5:30 बजे उठना है। तो फटाफट से ब्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। और क्या करती हूँ मैं, मेडिटेट करके सो जाती हूँ सो दैट सुबह फिर से टाइम पे उठ जाऊँ। एंड यस, मे बी दिस इज़ द लास्ट ब्लॉग ऑफ 2022। 2023 इज़ हियर। कहाँ गए लास्ट 2-3 साल, कहाँ गए, नो आइडिया। इट्स लाइक टाइम फ्लाइज एंड नाउ इट्स 2023। बट ओके, विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। एंड यस, नेक्स्ट ईयर कुछ हटके करने की कोशिश करेंगे, कुछ नया आप नई तरीके से आप लोगों को एंटरटेन करने की पूरी कोशिश की जाएगी। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू गुंजन व्लॉग्स। बाय। तो लैपटॉप की बैटरी ख़त्म हो गई थी तो मैं तो लैप Are some better days, yeah. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days.